हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। थोड़ा शोर आ रहा होगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। तो अभी जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है, उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड आइडेंटिफाई करे हैं जिनको बोला उन्होंने कि ये वर्ड अनपार्लियामेंट्री है। अब अनपार्लियामेंट्री वर्ड क्या होता है? अनपार्लियामेंट्री वर्ड वो होते हैं जो आप जो नेता वगैरह हमारे होते हैं, अगर ये संसद भवन में राज्यसभा हो गया या लोकसभा हो गया, वहां पर जब ये भाषण देते हैं तो ये कोई भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट है, उन्होंने ऐसे वर्ड आइडेंटिफाई करे हैं कि कौन कौन से वर्ड आप पार्लियामेंट के अंदर ड्यूरिंग जब आप भाषण दे रहे हैं आप नहीं बोल सकते। और एक चीज मैं ये बता दूं कि अगर मान लीजिए इन्होंने कोई भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोल दिया या एक ऐसा वर्ड बोल दिया जो मर्यादा जो है बोलने की उसको क्रॉस कर जाए, तो ऐसे में जो स्पीकर होते हैं, या तो राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, राज्यसभा के जो स्पीकर है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है वो होंगे राज्यसभा के। और लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको खुद ही इलेक्ट करते हैं लोकसभा के ही मेंबर आपसी में, और वो भी जो पर्सन होते हैं वो लोकसभा के मेंबर ही होते हैं जो स्पीकर बनते हैं लोकसभा के। तो इसके अंदर क्या है, उन्हीं को राइट है स्पीकर हो कोई, मतलब राज्यसभा के स्पीकर या लोकसभा के स्पीकर को, कि या तो वो बोलेंगे नेता जिन्होंने भी ऐसे वर्ड बोले होंगे कि अपने शब्दों को वापसी दें, माफी मांगे, और उनको ये भी राइट है कि वो किस वर्ड को डाल देंगे रिकॉर्ड में, किस वर्ड को हटा सकते हैं, इनको पूरी पावर है स्पीकर को राज्यसभा और लोकसभा के। तो कुछ ऐसे वर्ड क्या क्या मैं बता देता हूँ, हालांकि लिस्ट तो बड़ी है, बट जो जो वर्ड मेरे को मिले हैं मैं उन वर्ड को ज़्यादातर मोस्टली जो यूज़ होता है वो बता देता हूँ। और हाँ, एक चीज मैं ये भी बता दूँ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पूरी तरह से अनपार्लियामेंट्री शब्द है, इनका यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर 1% कुछ भी इस तरह से कोई टॉपिक आ जाता है जिनमें उन वर्डों का यूज़ होना है तो ऐसे में वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए महाभारत को लेकर कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में चल रहा है तो उसमें एक वर्ड है शकुनी, ठीक है, तो शकुनी वर्ड आप उस टाइम पे महाभारत में अगर कुछ बात अपनी कह रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और टॉपिक चल रहा है, वहाँ आप किसी को कह रहे हैं कि ये शकुनी है या शकुनी मामा है, आप इस तरह से कोई भी वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड बात चल रही है तो देन यू हैव अ राइट, आप उसके बारे में कुछ भी मतलब बात बोल सकते हैं, बट एक मर्यादा के अंदर। तो अब मैं कुछ वर्ड आपको बताऊंगा कौन कौन से वर्ड है, जैसे है शकुनी, तानाशाह, तानाशाही, जयचंद, विनाश पुरुष, जुमला जीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, दोहरा चरित्र, निकम्मा, नोटंकी, ढिंडोरा पीटना, पहरी सरकार, चमचा, चमचागिरी, चेला, घड़ियाली आंसू, अपमान, अहंकार, असत्य, काला दिन, काला बाजारी, खरीद फरोख, विश्वासघात, खालिस्तानी, खून से खेती, ब्लडी शेड, ब्लडी, अशेम्ड, अब्यूज, चीटेड, चाइटिशनेस, करप्ट, फॉरवर्ड, क्रिमिनल, डिस्ग्रेस, डोंकी, ड्रामा, आईवोश, हिपोक्रेसी, इनकम्पिटेंट, मिसलीड, लाए, अंट्रू, गून, सेक्सुअल हरासमेंट। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं ये आप यूज़ नहीं कर सकते पार्लियामेंट के अंदर जो पूरी तरह से अनपार्लियामेंट्री। और भी ऐसे वर्ड हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश में दो जगह आइडेंटिफाई करे गए हैं, अराउंड 60 के ये वर्ड हैं जो अभी आइडेंटिफाई करे गए हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई नॉलेज, किसी नए मोटिव के साथ। और एक चीज़ यार भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो, कोई भी कमी अगर आपको लगती है वीडियो में या कुछ ना कुछ तो फीडबैक यार जरूर दो, क्योंकि मेरे को पर्सनली आपके फीडबैक की ज़रूरत है। तो मिलते हैं, ठीक है, फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार, खुश रहिए, मजे लीजिए, टेंशन वगैरह मत लीजिए, टाटा बाय।